नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद सौरव गांगुली से किसी बड़े फैसले की उम्मीद थी। सौरव गांगुली ने उसी उम्मीद पर खरा उतरते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज के मैचों को डे नाइट में करवाने का प्रस्ताव बांग्लादेश बोर्ड को दिया है। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने इसी महीने BCCI का अध्यक्ष पद संभाला है। लंबे समय से डे नाइट टेस्ट करवाए जाने की वकालत कर रहे गांगुली के अध्यक्ष बनने के बाद इस मैच को कराए जाने की संभावनाएं बढ़ी है। क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि भारत भी अपने पहले डे नाइट टेस्ट के लिए जल्द ही मैदान पर उतरेगा। भारत में अब तक एक भी डे नाइट टेस्ट मैच नहीं खेला है। अब ऐसी संभावना है कि कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ वह इसकी मेजबानी भी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक BCCI ने भारत दौरे पर आने वाले बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में डे नाइट टेस्ट खेलने का प्रस्ताव बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने रखा है। दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलकाता में खेला जाना है और BCCI ने इस मैच को डे नाइट कराए जाने की बात की है। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भारतीय टीम पहली बार गुलाबी गेंद से भी टेस्ट मैच खेलती नजर आ सकती है। BCB यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट ऑपरेशन चेयरमैन अकरम खान ने BCCI द्वारा डे नाइट टेस्ट खेलने के प्रस्ताव की जानकारी पत्रकारों को दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आयोजन किया जाना है। पहला मुकाबला इंदौर में 14 से 18 नवंबर के बीच खेला जाना है। वहीं दूसरा टेस्ट मैच कोलकाता में 22 से 26 नवंबर के बीच खेला जाना है। इसी मैच को डे नाइट मैच करवाए जाने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी भारत और बांग्लादेश के बीच डे नाइट टेस्ट मैच खेलने के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।